अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। दोस्तों, आज 28 जून 2021 सोमवार का दिन है। मैं अपने तमाम दोस्तों से एक दर्दमंदाना दुआ की दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अगर दोस्त जो भी ये सुने, मुझे उम्मीद है कि इस दरख्वास्त को वो रवायतन दुआ की दरख्वास्त समझ के भूल नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी अगली नमाज और उससे अगली नमाज जितनी आपके तौफीक मिले इबादत की उसमें दुआ करेंगे भी। वो हैं हमारे एक दोस्त, बहुत ही जमात की खिदमत करने वाले, अमेरिका में हमारे एक बचपन के क्लास फेलो भी रहे हैं और शायद दोस्त जानते हों, प्रोफेसर सुल्तान अकबर साहब, जो अरबी के प्रोफेसर बहुत अरसा TI कॉलेज रव्वा में पढ़ाते रहे, उनके बड़े बेटे हैं। उनका नाम है चौधरी रजवान अकबर। वो काफ़ी अरसा से अमेरिका में मुकीम है, न्यूयॉर्क। आज अचानक उनके मुतल्लिक खबर आई कि वो उनका ऑपरेशन हो रहा है आज गालबन न्यूरो सर्जन कोई उनके दिमाग का गालबन, जो सुनने में तो वो काफ़ी पेचीदा ऑपरेशन होता है। तो दोस्तों से दरख्वास्त ये करनी थी कि जो भी दोस्त ये सुने या जिन तक ये इतला पहुँचे, वो ना सिर्फ ख़ुद दुआ करें उनकी मुकम्मल शिफायाबी के लिए, बल्कि अपने आगे मिलने जुलने वाले सब दोस्त अहबाब को ये पैगाम पहुँचा दें। ये रजवान अकबर साहब जब से अमेरिका गए हैं, इनको जमात की बड़ी खिदमत की तौफीक मिल रही है। वहाँ ये MTA के शुरू के बानियों में हैं। जब खुलफा का दौरा होता रहा अमेरिका कनाडा, तो ये लीड करते रहे MTA की टीम को, क्योंकि उनको शौक़ है अपना ज़ाती कैमरा ख़रीदने का, वीडियो। फिर ये जो अल इस्लाम है, इसके अंदर फ़ोटोग्राफी का शोबे में ये बहुत एक्टिव हैं। अभी जब ये आते हैं जलसा सालाना UK में, तो नुमाइंदगी में, तो अल्लाह ताला इनके इस ऑपरेशन को कामयाब करे और इनको सेहत कामला व आजला अता करे। क्योंकि जमात के लिए जो भी कोई शख्स खिदमत करने वाला है, उसकी तकलीफ़ या उसकी बीमारी में हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उनको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला उनको जल्द मुकम्मल शिफा याबी दिलवा दे।